हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। सेकंड लेवल की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं एक बायोलॉजी सेक्शन से प्रैक्टिकल जो स्टैंडर्ड 9th के लिए है। क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट सेट करा हुआ है जिसमें देखो बीकर में पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ प्लांट रखा हुआ है और उसके ऊपर एक फनल उल्टा रखा हुआ है। फनल को अटैच करके एक टेस्ट ट्यूब रखी है और जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कुछ गैस लिबरेट हो रहा है और वो यहाँ जमा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके का ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप वहाँ रखा है और अभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब। तो देखो, जबकि ये प्लांट है और दिस इज डूइंग फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर गैस जो जमा होगी वो होगी ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग बेटा? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये, सेटअप देख के डरावना लग रहा है। और ये प्लांट जो है वो पानी में रह रही है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट। तो ये एल्गी होना चाहिए क्योंकि एल्गी पानी में रहता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन होता है ना, उसमें क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। लिंक लगाओ। ठीक है, एंड द एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। 2 स्पेसिमन दिए हैं, पूछ रहे हैं ऑब्जर्व करो और आंसर करो। द स्पेसिमन बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपॉड, और जो ए स्पेसिमन जो है वो है मेल क्रैब, बिकॉज ये जो ट्रायंगुलर नैरो एब्डोमेन दिखाई दे रहा है ना, दिस इंडिकेट्स द मेल क्रैब। और यहाँ फीमेल में इस तरीके से वाइड राउंडेड एब्डोमेन होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये फीमेल क्रैब है। ठीक है, तो ये आंसर्स क्वेश्चंस के बन जाते हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन को लेके बहुत परेशान मत हो जाओ। क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि हमें एक तो किसी इंसेक्ट की इमेज, इंसेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ऑर्थ्रोपोड या इंसेक्ट का फाइलम है ये याद रखो। और उसके अलावा हमें फिशेस के बारे में पूछ रहे हैं, मैमल के बारे में, रेप्टाइल के बारे में, हाँ, तो ये इट्सेल्फ फाइलम है। मैं इसके लिए वीडियो बना रही हूँ अलग से, आपको समझा दूंगी, अगर ये कुछ की पॉइंट्स याद रखो। आर्थ्रोपोड इंसेक्ट कोई आ गया ना तो उसको आर्थ्रोपोड में डाल देना है, समझ रहे हो? फिर देखो, एक क्वेश्चन बनाया है, ऑब्जर्व द गिवन स्पेसिमन, अरेंज द स्पेसिमन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट सबसे कम जिसमें है और सबसे ज़्यादा जिसमें है, इस तरीके से असेंडिंग, नीचे से ऊपर तक आपको बनाना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर बनाना से ही शुरू होता है, लीस्ट वाटर कंटेंट, उससे ज़्यादा ग्रेप्स में, उससे ज़्यादा स्पिनाच में, उससे ज़्यादा कुकम्बर में। तो इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगी। और जो दूसरा क्वेश्चन है, इट इज़ आस्किंग इन विच स्पेसिमन प्रपोर्शन ऑफ शुगर इज लीस्ट, सबसे कम, तो स्पिनाच में शुगर कम होती है, उसमें आयन ज़्यादा होता है ना, तो सबसे कम इसमें होती है। और बात चल रही है इसलिए तो बाकी भी बता दे रही हूँ, कुकम्बर में उससे ज़्यादा, ग्रेप्स में उससे ज़्यादा और बनाना में सबसे ज़्यादा, राइट? तो इस तरीके से फिर देखो, ये एक डिसेक्शन किया हुआ स्पेसिमन है, ये है रैट, और वहाँ पर हमें राइट द नेम ऑफ ऑर्गन डिनोटेड बाय पी, पी करके कुछ डिनोट किया है वो हार्ट है, और क्यू करके जो डिनोट किया हुआ है वो स्टमक है क्योंकि लीवर इस साइड में है। देखो, अपनी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसी तरीके की रैट की भी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो आर डिनोट कर रहे हैं, एंड द पार्ट आर बिलोंग्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्वेश्चन हमें पार्ट को आइडेंटिफाई करना ये नहीं है, हमें बताना है कौन से सिस्टम से रिलेट कर रहा है, तो आपको लिखना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइन, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है।
ये सारी इमेजेस जो ऑफिशियल बुक है डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की, वहाँ से मैंने ली हुई है, मेनका पब्लिकेशन की जो बुक है। तो इसके साथ ये 5 क्वेश्चन में ही ये 10 मार्क के लिए एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से शॉर्ट में भी एक्सपेरिमेंट बनाए जा सकते हैं। आपके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट आएगा वो आप ही बताओगे मुझे बाद में। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा जाने वाला है ये पेपर, और एंजॉय करो। प्रैक्टिकल बहुत एंजॉय करने वाली बात होती है, ठीक है ना? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।